हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े बीच में प्लेयर्स या फिर प्रोफेशनल्स कह लो, वो सब नेट को लॉन्ग रेंज में कैसे थ्रो करते हैं जिससे कि दूर किसी बिल्डिंग में बैठा हुआ एनिमी भी नॉक हो जाता है। तो ऐसे ग्रेनेड आप आई बटन के साथ कर सकते हो, बट उसको करने का सही तरीका क्या है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि ये टॉपिक कितने लोगों के लिए हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब ये जो ट्रिक है आई बटन के साथ ग्रेनेड यूज़ करने की, इसे दो टाइप के प्लेयर्स यूज़ करते हैं, पहले जायरो प्लेयर्स एंड दूसरे नॉन जायरो प्लेयर्स। जिसमें अगर आप जायरो प्लेयर्स की बात करोगे तो ये वाले ट्रिक काफ़ी आसान हो जाती है उनके लिए, और साथ ही में नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए काफ़ी मुश्किल। बट उसके लिए भी मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए, तब मैं बता दूंगा कि कैसे नॉन जायरो प्लेयर्स भी इजिली लॉन्ग रेंज में ग्रेनेड कर पाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं जायरो प्लेयर्स की, जो कि पहले ग्रेनेड को पिन आउट करेंगे और फिर आई बटन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जिससे कि जो ग्रेनेड की रेंज है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब एग्जैक्टली यहाँ पर उसकी रेंज नहीं बढ़ती, उसकी बजाय आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसमें नेट को पिन आउट करने के बाद जो उसका ट्रेजेक्टरी पाथ होता है वो दिखता है, और उसमें जो रेड डॉट है कि जहाँ पर वो नेट जाने वाला है वो इस वाले ट्रिक से क्लियरली दिखता है। तो जो अपने लॉन्ग रेंज वाले ग्रेनेड्स हैं वो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट अगर हम आसमान में देख के बिना आई बटन यूज़ किए ये नेट्स यूज़ करते हैं तब आपको ग्रेनेड का जो रेड सर्कल होता है वो नहीं दिखेगा। इसलिए जो आई बटन वाली ट्रिक है ये यूज़ करते हैं जिससे कि जो लॉन्ग रेंज ग्रेनेड्स हैं उसमें आपको जो इसका रेड सर्कल है जहाँ पर नेट जाता है वो पाथ आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली आप जैसे नेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, बट यहाँ पर आपको एक ऐड ऑन करनी है चीज़, वो है आई बटन। आई बटन को आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, और साथ में अगर आप जायरो प्लेयर्स हैं तो आपको व्यू लेने के लिए अपने मोबाइल को लेफ्ट या फिर राइट या फिर अप या फिर डाउन करना पड़ेगा जिससे कि आपको एंगल क्लियरली दिखे जहाँ पर भी आप नेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर जायरो काम कर रहा है आपके प्लेयर के एंगल्स चेंज करने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। तो बेसिकली जायरो से आपको ग्रेनेड का एंगल ढूंढना है कि वो कहाँ पर जा रहा है, और आई बटन से आप यहाँ पर और भी चेंजेस ला सकते हो अपने ग्रेनेड में। जैसे उसे नीचे की तरफ खींच रहे हो तो ग्रेनेड ऊपर की तरफ दिख रहा है, अब जैसे आप राइट की तरफ ले जाओगे तो ग्रेनेड की जो लाइन है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अगर आई बटन को ले जाओगे लेफ्ट की तरफ तो राइट की तरफ आपका ग्रेनेड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके जायरो प्लेयर्स को ग्रेनेड की प्रैक्टिस करनी है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में एक अलग से थ्रोएबल ट्रेनिंग नाम से एक सेशन दिया हुआ है जिसके अंदर आराम से थ्रोएबल्स की प्रैक्टिस हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन जायरो प्लेयर्स की, जिनको यहाँ पर जायरो की तो प्रैक्टिस है ही नहीं, तो वो ये वाली ट्रिक कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं भी पूरा अपना जायरो ऑफ करके आ गया हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि क्या होता है नॉन जायरो प्लेयर्स के साथ जब वो ग्रेनेड यूज़ करते हैं इस आई बटन के साथ। अब यहाँ पर एक तरफ आपका एंगल बिल्कुल फिक्स होने वाला है, क्योंकि आपका जो एम वाला फीचर है जो कि जायरो आपको प्रोवाइड कर रहा था जायरो प्लेयर्स के लिए, बट यहाँ पर नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए वो एम फीचर आपको उंगली से ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन जब आप आई बटन को यूज़ करते हो तब आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो जॉयस्टिक, और जो अपने एंगल चेंज वाले स्क्रीन है यानी कि हाफ पार्ट उसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते। और अगर आप सोच रहे हो कि राइट में आई बटन है तो दूसरी फिंगर से मैं ये ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, अगर आप लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर दोगे आई बटन को तब भी आप अपने थंब से प्लेयर का एंगल चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। तो इसलिए जायरो प्लेयर्स को ज़्यादा एडवांटेज है जिसमें मोबाइल को हिला करके आप अपना एंगल चेंज कर सकते हो। बट नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अभी आपको ग्रेनेड यूज़ करने पर आई बटन खींचने के बाद रेड सर्कल नहीं दिख रहा होगा, तो अब करना क्या है, ग्रेनेड को कैंसिल कर दो और यहाँ पर नए तरीके से ग्रेनेड को ट्राई करो। अब आपको अपना एंगल रखना है 45 डिग्री पे, यानी कि पूरा ऊपर विन देखना और पूरा सामने विन देखना, आपको देखना है 45 या फिर 35 डिग्री के एंगल में थोड़ा सा आसमान की तरफ, और फिर यूज़ करनी है ये वाली ट्रिक ग्रेनेड प्लस आई बटन को ड्रैग करने की। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो रेड सर्कल है ग्रेनेड का कि कहाँ पर नेट जाने वाला है वो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा, जैसे कि मैं हर बार ट्राई कर रहा हूँ और मुझे हर बार ही ये रेड सर्कल दिख रहा है। अब ये ट्रिक लगा करके नॉन जायरो प्लेयर्स भी लॉन्ग रेंज में ग्रेनेड्स ईजिली कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये ट्रिक और साथ में ये पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नई टिप्स एंड ट्रिक्स वाली ऐसी औसम वीडियो के साथ या फिर रात को डेली लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय।